नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसे कि आप सभी को पता है, भाई बहनों का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन का त्यौहार कल पूरे देश में जोर शोर से मनाया जाने वाला है, जिसके चलते बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन के दिन 1:30 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि 1:30 बजे से पहले भद्रकाल है, जिसमें राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसी के चलते आज हम हल्द्वानी के बाज़ार में मौजूद हैं, जहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाज़ार में क्या खास है और लोगों की रक्षाबंधन को लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम रूपाली। जैसे कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है तो काफ़ी लोग उत्साह दिख रहे हैं, आपकी एक्साइटमेंट कैसी है? मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत है, मैं राखी लेने आई हूँ बट अभी मुझे मिल नहीं रही है। राखी के प्राइस बहुत हाई भी है, लो भी है, मतलब मीडियम लेवल में भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन पसंद नहीं आ रही मुझे। 2-3 जगह से मैंने ले ली, अब मैं अपने भाइयों के लिए थोड़ा स्पेशल ढूंढने जा रही हूँ बट वो मुझे मिल नहीं रहा है अभी तक। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और रक्षाबंधन में जैसे इस बार ज़्यादा क्राउड दिख रहा है, ये हर साल इसी तरह रहता है या इसी साल? देखो, रक्षाबंधन में ऐसा है, बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों को तो हमेशा रहता है, लड़कियों का होता ही है, हमें शॉपिंग करनी है, ये चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, होता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि शादी का सीज़न भी है, शादियाँ भी है, तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि कल बोल रहे हैं भद्रकाल है, 1:30 बजे से शुभ मुहूर्त है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर भैया लोग चले जाते हैं ससुराल शादी के बाद, भैया लोग जाते हैं ना मायके अपनी वाइफ के साथ, तो हम तो बांध भी देते हैं, लेकिन अब जो जैसे समाज के अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे। जैसे जो दूर दूर भाई लोग रहते हैं उनके लिए तो मजबूरी है कि वो सुबह ही राखी बांधे, क्योंकि बहुत कई जगह जाना होता है, तो इस वजह से उनकी तो मजबूरी है। वो तो है ही। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम चेतना चौहान। जैसे कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, तो आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी। मैंने काफ़ी शॉपिंग की, बच्चों के लिए भी लिया और भाइयों के लिए राखी भी ली। जैसे आप एक्साइटेड हैं जी, और मार्केट की भीड़ कैसी है अभी? बहुत ही क्रेश है, मतलब ये पूछो, बच्चे परेशान हो गए मेरे तो रो रो के। अच्छा भी लग रहा है जी। जैसे कल बोल रहे हैं कि भद्रकाल है, 1:30 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये चीज़ मानती नहीं, अब मानना भी पड़ता है, लेकिन हम अपने हिसाब से वैसे चलते हैं, जैसा हमें टाइम के हिसाब से, हमें 2-3 जगह जाना होता है, तो हर जगह हम एक टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो जैसा हम जहां पे जब पहुंचेंगे तो तभी हम राखी बांधेंगे। मतलब राखी बांधने के लिए कोई मुहूर्त वो नहीं है, भाई बहन का प्यार तो एक है जी, और हर कोई एक जगह समय पर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमें कई जगह जाना होता है। जैसे कि कल रक्षाबंधन है, तो अभी तक आपको क्या लगता है, आपकी राखियाँ बिक रही हैं नहीं बिक रही हैं? कुल मिला के सही बिक रही है फिलहाल, लेकिन बरसात की वजह से कुछ मतलब ऐसा है, डाउन चल रहा है। जैसे कि आज लास्ट दिन था, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, लेकिन सुबह से मौसम ने थोड़ा कहर बरपा रखा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उस पर, मतलब जो है कुल मिला के ठीक ही है, अपना हिसाब किताब से जो है, अभी माल फंस गया है थोड़ा, अगर निकल जाता तो अच्छा रहता। जैसे कि बारिश की वजह से राखियाँ कम बिक रही हैं, तो इस बार राखियाँ महंगी आई हैं या और बार की तरह ही सेम प्राइस पे आई हैं? सेम प्राइस पे आई हैं। जैसे कि रक्षाबंधन में बहनें तो उत्साही होती हैं, लेकिन भाइयों के लिए भी ये खास पर्व होता है, तो आप कितने उत्साह हैं? बहुत उत्साह है। जैसे कि आपकी भी बहनें होंगी, आपको राखी बांधेंगी, तो आपने उनके लिए क्या क्या खरीदा है अब तक? वो वैसे ही था, कपड़े बस जी। जैसे कि आज मार्केट में ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी लोग खुश हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, आज लास्ट डे, ऊपर से आज रविवार है, तो छुट्टी का भी दिन है, तो आज लोगों को समय मिला है, इसी चक्कर में आप भी आए होंगे मार्केट में। जी हाँ। आपकी शॉपिंग हो गई है बहनों के लिए? हाँ हो गई, अभी सिस्टर लोग कर रहे हैं, बहनें लोग। अच्छा, बहनों के साथ ही आए हैं खरीदारी करने के। नमस्कार भैया, आपका नाम? गोविंद। जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, लोग राखी खरीदने आ रहे हैं, तो क्या इस बार बिक्री सही चल रही है? बिक्री मैडम सही चल रही है, जो जिस हिसाब से सेल होनी चाहिए थी उस हिसाब से हुई नहीं अभी तक। मतलब बिक्री इस बार कम हो रही है राखियों की? कम है बिक्री इस बार। इसका कारण क्या बता सकते हैं आप, क्या हो सकता है? कारण तो ऑनलाइन का सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आ रहा ऑनलाइन कर रहा है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल चल रही है, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन राखियाँ मंगा रहे हैं, इस वजह से बाज़ार में बिक्री कम हो रही है। हाँ जी, इस वजह से ही हो रही है। और मौसम के वजह से, जैसे आज सुबह से देखा हमने बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी ऐसा? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी दोपहर के बाद सही चला थोड़ा बहुत राखी का, बस सुबह के टाइम थोड़ा बहुत कम था मार्जिन, और कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार राखियाँ कुछ खास राखियाँ आई हैं या हर बार की तरह सेम राखी हैं? खास राखी तो यही है बस जो आई हैं जी। उनका इतना अच्छा त्यौहार कल है, आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हमारी खूब तैयारी चल रही है, खूब खरीदारी हो रही है और
शॉपिंग खूब कर रहे हैं, रक्षा ले रहे हैं, रक्षा बांध रहे हैं। कल इसी का त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों का इतना पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करने में, और खूब लोग आ रहे हैं, खूब भीड़ भाड़ हो रही है। आप अभी अभी आए हैं या आपने शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग हम अभी आए हैं, अभी शॉपिंग करेंगे। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपकी बहन भी कल आपको राखी बांधेगी, तो आपने अपनी बहन के लिए क्या खरीदा है? गिफ्ट लेंगे अभी। गिफ्ट लोगे? और राखी कैसी बिक रही है? राखी बढ़िया करके बिक रही है अभी। राखी जैसे अच्छी बिकेंगी तभी तो अच्छा गिफ्ट बहन के लिए आएगा ना। हाँ, और बहनों के लिए क्या कहते हैं, और कुछ खास इस बार? अभी देखा नहीं है, अभी देखा नहीं है। कब देखोगे फिर? कल ही तो रक्षाबंधन है। रात को। अच्छा, रात को गिफ्ट खरीदोगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मार्केट में कितना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और सभी लोग चाहते हैं कि आज वो राखी खरीद लें, जिससे कल रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मना सके। बहनें कुछ ज़्यादा ही उत्साही हैं और खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहन और भाइयों का ये बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसके लिए हमेशा से बहनें काफ़ी उत्साही नज़र आती हैं। वो इतनी उत्साही हैं कि राखी खरीदने के टाइम उनके पास बिल्कुल थोड़ा सा भी समय नहीं है। वही मौसम का भी मिजाज आज कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। सुबह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस समय थोड़ा मौसम थम चुका है। इस वजह से लोग जल्दी जल्दी अपने सारा कल का सामान खरीद रहे हैं, राखी खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जिन्हें जो खरीदना है वो खरीदने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं। बंधन के लिए आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हमारी शॉपिंग हो रही है, नए नए कपड़े बना रहे हैं, राखी लेने आए हैं हम लोग। भाइयों के लिए राखियाँ ले लिया आपने? हाँ, नहीं अभी नहीं लिया, अभी लूंगी। अभी अभी मार्केट में आए हैं? मार्केट आई हूँ अभी मैं। हाँ, मौसम जैसा हो रहा है, लग रहा है बारिश भी हो सकती है, इसलिए आप जल्दी जल्दी राखी खरीद लीजिए। मौसम है लेकिन त्यौहार पहले है, सब बारिश में भी आएंगे और लेंगे, शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। भाई बहनों का रिश्ता ही ऐसा पवित्र है कि उसके लिए बस। रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्यौहार है, इसको सब बड़े उत्साह से मनाते हैं, बहुत पवित्र, बहुत उमंग वाला त्यौहार है, इसको सब बड़े उत्साह से मनाते हैं। मार्केट की भीड़ के बारे में आज क्या कहेंगे? है ही भीड़ तो है ही, त्यौहार है होगी। एक तो आज रविवार है, इस चलते ज़्यादा भीड़। संडे है, लग रहा था बारिश होने लगे, भीड़ नहीं होगी, लेकिन है भीड़ है, खूब लोग अपने शॉपिंग कर रहे हैं। आपकी ठीक है, आपको रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया चल रही है, हमेशा से ही जैसी चलती आई हैं। हाँ, पहले से थोड़ा उत्साह कम हो चुका है, लेकिन बहुत बढ़िया त्यौहार है। बहुत जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, तो राखियाँ ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं, लेकिन आप मार्केट में आए, ये हमें देख के अच्छा लगा। क्योंकि मार्केट में ही राखी खरीदनी चाहिए और लोगों को ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन से आप वो चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें वो बढ़िया आपको क्वालिटी का पता नहीं चलता है। मार्केट आके, मार्केट में आप लोगों को देंगे तो आपके आगे की जो जनरेशन है उनका काम भी चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड ना रहे। ऐसे मार्केट से लेने से रोज़गार भी बढ़ेगा और लोगों का जो रोज़गार बढ़ेगा तो उनका त्यौहार भी अच्छे से त्यौहार भी अच्छा होगा। और कई लोग इसी आस में बैठे होते हैं कि हमारा इससे काम चलेगा, ऑनलाइन से आपका काम भी ठप हो रहा है और जो आपकी रौनक है वो भी ख़त्म हो रही है। लोग राखी कैसे खरीद रहे हैं? बहुत बढ़िया खरीद रहे हैं इस बार राखी। भीड़ जैसे देखने को मिल रही है, तो राखी का बिजनेस सही चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है राखी का बिजनेस। जैसे कि आजकल ऑनलाइन लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो इसमें आप लोग के व्यवसाय में काफ़ी असर पड़ता है? देखो, ऑनलाइन जो माल मिलता है थोड़ा महंगा मिलता है, हम उसी चीज़ को डिस्काउंट में बेचते हैं, आके यहाँ बाहर से आके यहाँ बेचते हैं आके। बारिश की वजह से राखी बिकने में कोई असर देखने को मिला? इस बार तो राखी में कोई असंभव नहीं हुआ है, मतलब सही ठीक ही ठाक रहा है, मतलब इस बार बिक्री अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है और बारों से, क्योंकि हर बार बारिश होती थी, इस बार हुई नहीं है, आज हुई है, जो भी हुई है। भैया, इस बार राखी का व्यवहार कैसे चल रहा है? राखी का त्यौहार बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, इस बार बम्पर भीड़ है, यही हमारा माल थोड़ा सा रह गया, 4 साल पुराने दुकान है, ये माल तो नया है, ठीक है बस, और बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार और बार से बिक्री सही चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, इस बार भाई बहन ज्यादा बढ़ गए हैं लोग। अच्छा, इस बार भाई बहन को ज्यादा ही उत्साह है, इसलिए बिक्री ज्यादा हो रही है। बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है मैडम। आपकी राखी ऑलमोस्ट सब बिक चुकी है? बिक चुकी है, लेकिन मैं तो काम कर रहा हूँ ना 260 रुपए पे। अच्छा, बता। हाँ, ब्लेंडर है इतने का? नहीं, सही बिक्री है मैम, बहुत बढ़िया बिक्री है। जैसे कि बारिश की वजह से सुबह से बारिश हो रही है, बहुत हमारी हालत खराब थी कि सुबह से काम दाम कैसे होगा, एक ही दिन त्योहार का रह गया, हम इतना माल बचा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सारा माल बिक गया, थोड़ा सा रह गया, आप भी लो। जी, अभी लेंगे। जैसे कि कल रक्षाबंधन है तो आज बारिश होती है, आज संडे भी है, इस वजह से लोग भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। संडे की वजह से रस बहुत रहता है मैम,
और काम में मुझे नहीं लगता कि काम में कोई फ़र्क पड़ा और अच्छा हुआ जिस तरह की बारिश के बाद और भीड़ निकल के आई है जिस तरह से, तो काम बहुत अच्छा है। इस बार मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसे असर कोई देखने को नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं राखियों में तो बिल्कुल नहीं दिखा, जो भी आ रहा है कैसा आ रहा है, ऑनलाइन यहाँ पे कैसे हो जा रही है और कुछ नहीं है। आपने देखा ही होगा आज मार्केट में कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और ये थोड़ा सा ही टाइम रह गया है लोगों को अपनी शॉपिंग करने का, इसलिए लोग काफ़ी बिजी भी हैं और लोग काफ़ी उत्साही भी नज़र आए, काफ़ी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि रक्षाबंधन पर भी ऐसा है कि भाई बहन दोनों ही काफ़ी खुश रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम हल्द्वानी के बाज़ार में मौजूद थे, हमने लोगों से बात की, आपको दिखाया कि कैसे हल्द्वानी के बाज़ार में लोग कितने ज़्यादा खुश हैं और कारोबारी अपना काम कैसे संभाल रहे हैं। वहीं कारोबारियों ने ये भी बताया कि इस बार ऑनलाइन शॉपिंग का उनके ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला, लोगों ने उन लोगों से काफ़ी राखी खरीदी है और राखी इस बार मार्केट में काफ़ी अच्छी बिकी है, सारे कारोबारी खूब खुश हैं क्योंकि उनकी राखी इस बार और बार के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बिकी है। ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31, कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।